हे एक्सप्लोरर्स, तो पहुंच चुके हैं हम हाँ अपने जहाँ पनाह शहर द फोर्थ सिटी ऑफ दिल्ली, मेडिवल दिल्ली। ओके, तो हाँ बड़ी मुश्किल से चल के, थोड़ा बड़ी मुश्किल नहीं, थोड़ा चलना पड़ेगा। बट अभी हम हैं विजय मंडल पे और चलते चलते थोड़ा घूमते घूमते ये कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं यहाँ पर, और पीछे आपको दिख ही रहा होगा फोर्ट के कुछ हिस्से हैं, तो यहाँ के भी बारे में बताएंगे और जहाँ पनाह सिटी के भी बारे में। ओके, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है विजय मंडल के बारे में। इन द 14th सेंचुरी अ ट्रैवलर मोरक्को इब्न बतूता एक्स वाई जी 1000 पिलर, पॉज करके पढ़ी है वरना चलते चलते बता ही रहा हूँ। ओके, तो ये गेट है हमारा एंट्री गेट। ठीक है, तो हम चल रहे हैं अब आगे की तरफ, और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये भी ASI के अंडर है, संरक्षित स्मारक, तो अच्छी बात है। और हमें जाना है उस स्टॉप पर जो आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो आई थिंक जो हमें सामने की तरफ शो हो रहा है ये छोटी सी दीवार, यहीं से चढ़ते भी होंगे तो आई थिंक हमें यही यूज़ करना पड़ेगा ऊपर चढ़ने के लिए। ओके गाइड, सामने आपको गेट शो हो रहा होगा, वो रेड सा जूम किया है मैंने, वहीं से हम सीधे आए और यहाँ थोड़ा सा एडवेंचर हुआ, ज़्यादा एडवेंचर नहीं, बस ये चढ़ने का थोड़ी हाइट है, बढ़िया था। और अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं अपने विजय मंडल की तरफ। ओके, तो आप सामने की तरफ देख पा रहे होंगे, दिस इज विजय मंडल, और हम आए यहाँ खजाना ढूंढने, क्योंकि मैंने पढ़ा एक आर्टिकल में लास्ट सेंचुरी में यहाँ एक खजाने का बक्सा मिला था गाइस, और आज हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे, मज़ा आने वाला है, एक सोने का सिक्का भी मिल जाए यार। ओके, तो हाँ खजाना पार्ट ऑफ जर्नी, बट जो हमारा मेन रीज़न है या फिर कह सकते हैं जो हमारा दिखावे का रीज़न है वो है ये जगह घूमना। और हवा बहुत अच्छी चल रही है, अगर आप सिटी लाइफ से परेशान हैं तो यहाँ आ सकते हैं कुछ घंटों के लिए, और सही जगह है। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे ये सिटी एरिया है, तो सही है शहर के बीच थोड़ी सी नेचुरल चीज़ें, नेचुरल तो नहीं है बट थोड़ी पुरानी है, तो यहाँ पेड़ पौधे हो ही गए हैं, अच्छा है। तो हम इधर की तरफ आते हैं, पूरा ड्रामेटिक साउंड।
वो पतली पतली सीढ़ियाँ है खतरनाक बता नहीं, थोड़ा डर भी लग रहा है, 800 साल पुराना है, गलती से इधर उधर हुआ तो गए, कोई नहीं हो गया। ओके देख पा रहे होंगे आप, इतनी पुरानी कारीगरी है बट अच्छी है कि तो यहाँ से कुछ पीछे का नज़ारा ऐसा है, बहुत सही। और ये संकरा है, और आई थिंक हम इधर जाना चाहिए क्योंकि इधर कोई सपोर्ट नहीं है। वो अपने प्रिंस भाई यहाँ आके कह रहे हैं कि यार सुल्तान बनना चाहिए था, कुछ नहीं तो उसका बेटा ही बना देते। यहाँ बंदे भी आए घूमने के लिए, सही है, हवा बहुत सही चल रही है यार। वाह, ज़्यादा आगे मत जा, पता चले बहुत आगे चला गया। तो ऊपर बहुत सही है, हवा भी चल रही है, और मतलब घूमने भी आते हैं लड़के लड़कियाँ, ठीक है, कुछ मतलब डरावनी जगह नहीं है, ना ही कोई ना आने वाली जगह, सही जगह है, इनफैक्ट मज़े कर सकते हो, हवा बहुत अच्छी आ रही है, नेचुरल एयर अच्छा लग रहा है। ये जो ऊपर टॉप पे था, ये डोम कह सकते हो आप, गुंबद, तो हम यहाँ पे चलते हैं एज ऑलवेज, पतली पतली सीढ़ियाँ हैं पर तो सब कोई है नहीं, पर ठीक है। ये तो हम अभी टॉप पर हैं ऊपर, और मेरी थोड़ी बजी पड़ी है क्योंकि ऊंचाई से डर लगता है, और वैसे भी ये बहुत पुरानी जगह है, और सामने की तरफ बेगमपुर मस्जिद है जहाँ हम जाएंगे। ओके आपको दिख रहा होगा, वही है बेगमपुर मस्जिद, और हम जाएंगे, और आप देख पा रहे हो काफ़ी ऊँचा है, इसकी ऊंचाई 150 फीट के समथिंग है ज़मीन से, तो हम अभी इतने ऊपर हैं, दोनों साइड सीढ़ियाँ हैं, इधर भी और उधर भी, और यहाँ सुसाइड करने की वो चल रही है, 1 2 3 1 2 3। ओके तो अब हम नीचे चलते हैं। इस जगह को हो गए हैं 800 साल, पता नहीं कितनी बार बताया मैंने, फिर भी बता रहा हूँ, इस जगह को यूज़ किया जाता था पहले एज अ गार्ड रूम और अपने सैनिकों पे नज़र रखने के लिए, ये हॉल था। इतनी पतली पतली सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी डरावना सा है, मस्त। ओके तो अब बाहर चल रहे हैं हम, और थोड़ा सा डिक्लाइन है सरफेस, और यहाँ से हम आए थे, देखते हैं इसकी सेकंड साइड क्या है। वाह सीढ़ी सीढ़ी, चलते हैं देखते हैं क्या मिलता है। और कुछ ये नज़ारा है ऊपर, और जो वहाँ डोम है, गुंबद है, हम वहाँ चलते हैं कि क्या है और कैसे है।
हम कूद के चढ़े, एडवेंचर। अब पता चला यार सिंपल बना पड़ा है सीढ़ी वो, और आप देख सकते हैं कितना मैग्निफिशेंट वो 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 भाई, ऑसम, क्या बात है, वाव, क्या सब पॉसिबल है भाई इतने पुराने जमाने में इतना बढ़िया बनाना, वो भी पूरा गोल। ओके तो अब आते हैं विजय मंडल पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ही मैग्निफिशेंट सा है, 150 फीट की हाइट पे इसे, मतलब इतना ऊंचा है ये 150 फीट, और इसे भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बनवाया था अपने रेनिंग ईयर में। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ दरबार लगता था और ये मदरसे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, और साथ ही हमारा मेन रीज़न यहाँ पर खजाना भी रखा जाता था। वाह, कुछ नहीं मिला गाइस, एक छोटा सिक्का भी नहीं मिला। गेट के पीछे रहस्य है। हो सकता है क्योंकि ये गेट सा दिख रहा है, इसके पीछे रहस्य हो सकता है, खोदे क्या कुछ तो मिल ही जाएगा। गाइस खजाना मिल गया है, इजी है पीछे, बस ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग आए तो एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, आई डोंट माइंड, बस दे देना 90% मेरा, 10% तुम रख लेना। आइडिया मैंने दिया आखिर, या फिर इसे खोदे तो इसके नीचे मिल सकता है, दिख रहा है ना ये वाला। ओके बहुत इंटेलिजेंट हो रहा हूँ मैं, खैर ठीक है। और अभी इसी जो छत दिख रही है मेन सीलिंग, इसके ऊपर हम खड़े होके चल रहे थे। वाह, हे तो अब आते हैं जहाँ पना सिटी के ऊपर, द फोर्थ मेडिवल सिटी ऑफ दिल्ली। और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था जब उनके पिता गियासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने तुगलकाबाद की नींव रखी थी, जब उनका देहांत हो गया, जब वो नहीं रहे, तब वो वहाँ बोर हो रहे थे, या फिर कहें दुख ज़्यादा ही मतलब लगता था उन्हें, तो उन्होंने एक आइडिया सोचा, या फिर आप कह सकते हो उन्होंने सोचा, जो सीरी है, तुगलकाबाद है, लालकोट है, सबकी दीवारें मिला के एक मजबूत सा शहर बसाया जाए, जिसे मंगोल कभी इन्वेड ना कर पाए। इसीलिए उन्होंने सबको मिलाया और अपनी जहांपनाह सिटी बनाई, द फोर्थ मेडिवल सिटी ऑफ दिल्ली। बट उनके कुछ डिसीज़न थे जिनकी वजह से उन्हें साइकोपैथ, या फिर कुछ हिस्टोरियन इंटेलिजेंट भी कहते हैं, क्योंकि उनका ये आइडिया बहुत अच्छा था, तो उन्होंने बिल्कुल शहर का निर्माण करवाया। हाँ 14th century में, 1326 से 1327 के बीच उन्होंने दीवारें बनवाई, और लालकोट और तुगलकाबाद में सिटीजन्स रहते थे, और जो सीरी का हिस्सा था उसमें सेना रहती थी। और फिर उन्होंने एक गलत डिसीज़न लिया, या फिर अच्छा ही डिसीज़न कह सकते हैं, अब आई डोंट नो, जैसा कि हिस्टोरियन बताते हैं, जब ये शहर बस चुका था तब उन्होंने फैसला किया कि अब वो मीन्स दौलताबाद शिफ्ट होंगे, उनकी नई राजधानी दौलताबाद होगी, क्योंकि वो सदर्न एरिया में अपना राज्य फैलाना चाहते थे। ने डिक्लेयर कर दिया कि अब जो उनकी नई राजधानी होगी दौलताबाद होगी, जो कि महाराष्ट्र में है, तो सारे लोग यहाँ से जाने लग गए वहाँ पर, क्योंकि उन्हें अपना जो राज्य है, रीज़न है, वह एक्सपेंड करना था, तो अच्छा ही फैसला था। बट वहाँ एक महामारी फैल गई, इस वजह से उन्हें कुछ ही टाइम के अंदर वापस से दिल्ली आना पड़ा, और इस वजह से जो आम जनता थी उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हुई, और ये शहर टिक भी नहीं पाया, और लोगों ने यहाँ रहना छोड़ दिया। इसी वजह से उन्हें साइकोपैथ भी कहा जाता है। और हाँ तो हम अभी हैं विजय मंडल, इसे कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि जो हज़ार सुल्तान पैलेस था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया हुआ, जिसे तुर्की स्टाइल में बनाया गया था 1000 पिलर्स के ऊपर, उसी के ऊपर मोहम्मद बिन तुगलक ने एक टावर बना दिया, जो कि अभी आपने देखा होगा टॉप पर एक था यहाँ पर टावर, और उसी की वजह से इसका जो नाम है उन्होंने चेंज कर दिया विजय मंडल में।
ओके तो ये रहा विजय मंडल। ओके तो आगे चलते वक्त हमें यहाँ एक संत महात्मा या फिर आप इस्लाम के पुजारी कह सकते हैं उनकी कब्र है। और ये काफ़ी सुनसान सी जगह है। हाँ काफ़ी सुनसान सी जगह है और ये जस्ट विजय मंडल के आगे की तरफ है। तो ये तो विजय मंडल से जुड़ी बहुत सी बातें हैं, कुछ हिस्ट्री, कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ हिस्टोरियंस की लड़ाई कि नहीं ऐसा था नहीं वो ऐसा था। सही है, आई होप आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे।